हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडवर्टीजमेंट में आप कैंपेन को कैसे रन करेंगे। कैंपेन एक तरह का अपने प्रोडक्ट का या वीडियो का प्रमोशन होता है जो ओवरऑल इंटरनेट वेबसाइट्स, यूट्यूब या कह सकते हैं जो भी सोशल साइट्स होती हैं उन पर रन होता है। गूगल एडवर्टीजमेंट में कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और गूगल एडवर्टीजमेंट की ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं पहले ही पार्ट वन में दे चुका हूँ। ये गूगल एडवर्टीजमेंट का पार्ट टू है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना कैंपेन या कह सकते हैं एक प्रोडक्ट के लिए कैसे अब अपना एडवर्टीजमेंट रन करना है और उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, तो वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए मैं ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं ये कैंपेन को कैसे क्रिएट करा जाएगा, उसके बाद प्रमोट होने बाद क्या रिजल्ट आता है, कहाँ से चेक करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे गूगल एड्स और आप देख सकते हैं जो पहली वेबसाइट आएगी आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा जो कि ये पार्ट वन है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने URL दे दिया है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और ये 2000 का क्रेडिट कैसे आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप फ्री में अपना गूगल एड्स से प्रोडक्ट को, वीडियो को, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको साइन इन करना होगा, तो आप यहां साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये मेरी आईडी ऑलरेडी लॉगिन थी, तो जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक करा और ये देखिए मैं अपने डैशबोर्ड में आ गया। लेकिन अगर आप डायरेक्टली लॉगिन नहीं होते हैं तो आपको जिससे आपने गूगल एडवर्टीजमेंट का रजिस्ट्रेशन किया था आपको वो ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करना होगा। इस तरह से आपका डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा होगा प्रोटेक्ट योर अकाउंट फ्रॉम अनऑथोराइज एक्टिविटी, तो आप इस पर व्यू करके इसको चेक कर सकते हैं या डिसमिस करके कैंसिल कर सकते हैं। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन से प्रोमो कोड को अपने एक्टिव करा था जो क्रेडिट पाने के लिए, तो उसमें देखिए मैसेज लिख के आ रहा है यहाँ पे, वी विल मैच योर स्पेंड ऑन गूगल एड्स अंटिल 5/18 और 2000 अप टू 2000 क्रेडिट। तो इस तरह से आपके पे नोटिफिकेशन आ गया होगा। अगर आपके में ये न्यू कैंपेन रन करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप यहाँ कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से पेज आ जाएगा जहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके भी न्यू कैंपेन पे क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने भी स्क्रीन आएगी जिसमें आपको कैंपेन रन करना होगा। कैंपेन रन करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तरह का कैंपेन रखना चाहते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है लाइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप बाय फोन और स्टोर, दूसरा है लीड का जो कन्वर्सेशन बाय इनकरेजिंग कस्टमर्स टू एक्शन, वेब ट्रैफिक अपने वेबसाइट्स पे इकट्ठा करना चाहते हैं, ब्रांड एंड प्रोडक्ट कंसिडरेशन करना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, या फिर ऐप की किसी ऐप जो आपने बनवाई है उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं, लोकल स्टोर पे विजिट करवाना चाहते हैं लोगों को, इस तरह के एडवर्टीजमेंट जो वेबसाइट्स में आप देखते होंगे ज़्यादातर। और एक है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, एक ये चीज़ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे ये वीडियो सेलेक्ट, वीडियो कैंपेन पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन खुलेंगे जिसमें ये इन्फ्लुएंस कंसिडरेशन पे ऑलरेडी टिक होगा, आप इसमें इसको चेंज ना करिएगा और सीधे कंटिन्यू कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने कैंपेन का नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैंपेन का नेम मैं आप सजेस्ट करूँगा आप उसी नाम से लिखिए जिस नाम से आपकी वीडियो का टाइटल है। तो जैसा कि मैं अपने चैनल पे आता हूँ और मुझे ये वीडियो प्रमोट करनी है जिसका टाइटल है, मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसका टाइटल है हाउ टू बुक आधार अपॉइंटमेंट ऑनलाइन 2021। अब इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लेके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप नीचे एक ऑप्शन और देख सकते हैं एड ग्रुप नेम करके आ रहा होगा, ये आप इसमें भी यही नेम को पेस्ट कर देंगे। ये दोनों पेस्ट करने के बाद आप जाएंगे वापस से ऊपर के बाद आप स्क्रॉल करेंगे, ये बिट स्ट्रेटजी ऑलरेडी फिक्स होती है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे बजट एंड डेट्स पे जहाँ कि आपका होता है कैंपेन का टोटल कितना खर्चा करना चाहते हैं। देखिए डेली ऑप्शन है और कैंपेन टोटल है, तो कैंपेन टोटल आप रहने देंगे। तो मैं अपने कैंपेन पे टोटल खर्च करना चाहता हूँ जैसे 200 रुपये, तो यहाँ 200 कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी कि आप अपना कैंपेन कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कल से और एंड डेट इसकी आप सेलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम मैं सजेस्ट करूँगा आपसे कि 15 दिन की मार्जिन लेके चले। तो ये देखिए एंड डेट आ गई 5/4/2000। तो आप देखिए यहाँ नोटिफिकेशन आ गया है कि अ 200 कैंपेन टोटल अमाउंट इज सिमिलर टू 12.50 डेली बजट, मतलब 12 रुपये, अमाउंट डेट रन्स फॉर 16 डेज, तो ये 16 दिन के लिए रन करेगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आ रहा है कि आप नेटवर्क कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें देख सकते यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स है, एड कैन अपेयर नेक्स्ट टू द सर्च रिजल्ट ऑन यूट्यूब, यू कैन यूज़ वीडियो डिस्कवरी एड्स ओनली, और नीचे जो है स्किपेबल एड्स हैं
जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं कहा जाता, जब आपने देखा होगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो आता है, लेकिन उसको स्किप कर दिया जाता है। लिखा है, एड्स कैन अपियर ऑन यूट्यूब चैनल्स पेज, यूट्यूब होम पेज, यू कैन यूज़ इन स्ट्रीम एंड वीडियो डिस्कवरी एड्स। आप इस दोनों ऑप्शन को एक्टिव रखिए। उसके बाद आप आएंगे लोकेशन के ऊपर, जिसमें आप टारगेट लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ कुछ सिटीज़ को मेंशन करें तो आप यहाँ इंटर अनदर लोकेशन पे, जैसे मैं लिख देता हूँ, ये ऑप्शन आ गया। इस तरह से आप एक एक सिटी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप दूसरी लोकेशन इंटर करनी है, तो आप जैसे यहाँ पे इस तरह से दूसरी सिटी को लिखेंगे, तो अगर आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर सिटी को, तो इस पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसी हिसाब से पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप पूरे कंट्री को टारगेट करके चलिए इस तरह से। लेकिन आप और कंट्री में भी प्रमोट करना चाहते हैं जहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, तो आप नीचे एड एंटर अनदर लोकेशन करके उसको भर सकते हैं, जैसा मैंने अभी दिखाया। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि आप जिस तरह की वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है। तो जैसे मैं फर्स्ट दूंगा हिंदी, और उसके बाद फिर इंग्लिश। पहले यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लें, इसको टिक कर दें, उसके बाद दोबारा से सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे लिखें इंग्लिश इस तरह से। तो ये आपकी देखिए दो लैंग्वेज आ गई। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे ये दो ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ऐड ग्रुप नेम आएगा, जो हमने पहले ही आपको दिखाया था कि आपको वही टाइटल ऐड करना है जो आपने यहाँ पे अपने कैंपेन नेम में डाला था। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर डेमोग्राफिक आ रहा है कि आप किस एज के लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कोई भी एज या कोई भी जेंडर का पर्सन देखे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वीडियो प्रमोट होनी चाहिए, इंप्रेशन आना चाहिए, सब्सक्राइबर बनने चाहिए, तो आप इसको ऐसे ही लीव कर देंगे जिस पे सब कुछ टिक होना चाहिए। उसके बाद ये कीवर्ड्स का ऑप्शन है कि आप कुछ कीवर्ड्स फिल कर सकते हैं, और जिसके बाद आप कीवर्ड लिखेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ये वीडियो मेरी रिलेटेड है आधार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस कीवर्ड के ऑप्शन को मिस मत करिएगा। इसमें मैक्सिमम नंबर तक, फिर से बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर तक कीवर्ड ज़रूर इंटर करिएगा। ज़रूरी नहीं है किसी टॉपिक पर क्लिक करें, अगर आप चाहें तो उस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनी प्लेसमेंट, आप इस ऑप्शन को भी छोड़ के स्किप कर सकते हैं। तो ये होता है बिडिंग, जिसमें आप चाहते हैं CPV, कॉस्ट पर व्यू बिड। इसमें आप डालते हैं कि कितना पैसा आपको पे करना है एक व्यू के ऊपर। तो जैसा कि मैं इस पर 0.15 पैसा कर देता हूँ, आप इसको भी मिनिमम 15 और मैक्सिमम 50 पैसे तक ही रखिएगा। अब जिस वीडियो को आप प्रमोट करना चाहते हैं, आप उसका URL यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैं वापस अपने YouTube वीडियो चैनल पे जाऊँगा, मैं यहाँ से इसका ये जो वीडियो लिंक का कोड आ रहा है, आप इसे क्लिक करिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे राइट क्लिक आके पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये देखिए वीडियो हाउ टू बुक आधार अपॉइंटमेंट की वीडियो आ गई है यहाँ, और नीचे कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे आप थंबनेल चेंज करना चाहे, वीडियो एंड फॉर्मेट स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स बनाना चाहे, या वीडियो डिस्कवरी एड्स बनाना चाहे। मोबाइल पे आपका जो एड्स रन होगा वो इस तरह से होगा, और जो डेस्कटॉप पे रन होगा वो इस तरह से होगा। और नीचे देख सकते हैं हेडलाइन पूछी गई है इस वीडियो की हेडलाइन, तो मैं सजेस्ट करूँगा इस वीडियो की हेडलाइन का जो ये टाइटल है, आप इसी को फिर से इसी पे से कॉपी कर ले यहाँ से। उसके बाद फर्स्ट डिस्क्रिप्शन और सेकंड डिस्क्रिप्शन, तो मैं फर्स्ट डिस्क्रिप्शन और सेकंड डिस्क्रिप्शन में रिकमेंड करूँगा कि आप वापस अपनी जब वीडियो पे जाएंगे तो आपने इसका नाम कुछ और भी रखा होगा, स्लैश करके लोग बड़ा सा नाम डालते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके मैं वापस से इसको पेस्ट कर दूँगा। अपने टाइटल के दूसरे पार्ट को डाल दिया है, और डिस्क्रिप्शन टू में भी मैंने इसी से मिलता हुआ एक टाइटल बना लिया है। और उसके बाद है AD नेम, तो आप चाहते हैं तो हैशटैग करके अपने इसका कुछ नेम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये एड वन है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कोई भी इसको समझने के लिए। उसके बाद आप यहाँ क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करें, तो ये देखिए सबमिट हो रहा है अभी। तो इस तरह से पेज आएगा, जिसमें आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने कैंपेन की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आप कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का टाइम लेगा, लोड होगा, और आपका कैंपेन रेडी हो गया है जो कि रन कर रहा है। तो ये देखिए आ गया, तो ये देख सकते हैं आपका कैंपेन आ गया। तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप आएंगे अपने ये जो कैंपेन रन कर रहा है इसके ऊपर, और यहाँ ओवरव्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो अभी आपके एड्स को एक्टिव होने में कम से कम 12 से 24 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो भी आपने प्रमोट के लिए कैंपेन रन करा है उसको एक बार गूगल वेरीफाई करता है। वेरीफाई होने के बाद आपके इंप्रेशन यहाँ आने लग जाएंगे, व्यूज़, CPV और व्यू रेट यहाँ सब कैलकुलेट होने लग जाएगा, और उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ शो होने लग जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, जो आपने कीवर्ड्स बनाएंगे, किस कीवर्ड से कितना पब्लिक आ रही है, कह सकते कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद आप अगर वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपकी वीडियो आ रही है, इस वीडियो पे कितने इंप्रेशंस हैं, व्यूज़ हैं, व्यू रेट है,
एवरेज सीपीवी है और क्या कॉस्ट है और अर्निंग व्यूज कितनी है, वो सब यहाँ आपको शो होने लगेगी। और आप ऊपर देख सकते हैं एनेबल का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस ऐड को रोकना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके पॉज कर सकते हैं। और ये देखिए आपका बजट भी आ रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस बजट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपका जो ये प्रमोशन का कैंपेन का ऐड चल रहा है ये कम हो ज़्यादा सीपीवी हो जाएगा, मतलब कॉस्ट पर व्यू उसी हिसाब से डिपेंड हो जाएगा। और उसके बाद है आपका, अब आपको कोई दूसरा कैंपेन रन करना होगा तो आप ये देख सकते हैं ऑल कैंपेन्स का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए न्यू कैंपेन का ऑप्शन फिर से खुल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और अपना नया कैंपेन बना लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है गूगल एडवर्टाइजमेंट को लेके या कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।